हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट सो आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आज की वीडियो का मेन पर्पस एज यूजुअल जो आगे का कंटिन्यूएशन है हम वो करेंगे इसमें अभी तक मैंने आपको मिनिएचर्स तक पढ़ा दिया है एंड अब हम इसमें मुग़ल आर्ट के बारे में देखेंगे ठीक है कि मुगल आर्ट में मतलब मिनिएचर्स का क्या रोल था एंड क्या क्या कौन कौन से जैसे कि रूलर्स थे अकबर जहांगीर वगैरह इनके टाइम पर कौन कौन से आर्टिस्ट थे एंड उन्होंने किस टाइप का वर्क किया सो so आज हम वो देखेंगे एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एंड जिन बच्चों को नहीं पता है कि ये मतलब जो फर्स्ट टाइम आए इस वीडियो पर तो उन लोगों को बता दूँ कि ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने एंशन इंडिया से लेके पूरा का पूरा मतलब एंड तक मैं इसमें कवर करूंगी तो आप लोग देखिए पहले वो वाली वीडियो जाकर देखिए आपको वो अच्छी लगती है तो आप आगे का कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है आई वुड एडवाइज़ यू कि पहले आप फर्स्ट लेसन को देखिए तो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा पूरी की पूरा जो सीरीज़ चल रही है एंड ये मैंने बी एफ ए स्टूडेंट्स के लिए बनाई है स्पेशली जिनको एंट्रेंस में थ्योरी में दिक्कत होती है तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईज़ी कर दिया है मैंने ये थ्योरी मतलब जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम पर तो मतलब हमें बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता था ऐस आ, ऐसा कुछ आ, कहीं सिस्टमेटिक थ्योरी नहीं थी सो मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी कर दिया ये एंड इसके बाद हम एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे जो एमसीक्यूज की मैं नई सीरीज़ लेकर आऊँगी पहले मैं ये थ्योरी सीरीज़ कंप्लीट कर लूँ ताकि आप लोग जो हैं मतलब और अच्छे से समझ सकें और आपको पता चल पाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं आर्किटेक्चर की पेंटिंग की स्कल्पचर की सीरीज इसके बाद हमारे आर्ट आर्ट एंड कल्चर में और भी ज़्यादा फॉर्म्स है फिर हम उनको कंप्लीट करेंगे ठीक है तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो सो आज हम पढ़ेंगे जैसे लास्ट में हमने पढ़ा था पाल स्कूल और अभ्रमश स्कूल ऑफ आर्ट ठीक है जो कि अर्ली मेडिवल हम कह सकते हैं या फिर एंशियट का पार्ट भी हम उसे समझ सकते हैं सो उसके बाद आता है हमारा अब मेडिवल इंडिया स्टार्ट हो जाता है एक तरह से ठीक है जैसे मैंने आपको बताया था कि एंशियट इंडिया में जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो कवर हो चुकी हैं यानी कि अभ्रमश और पाल तक जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है सब कुछ कवर सो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा समझ लीजिएगा ठीक है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिवल जिसमें कि हमारा दिल्ली सल्तनत और मुग़ल मिनिएचर्स के बारे में अब हम पढ़ने शुरू कर रहे हैं ठीक है सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पाल जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले आप प्लीज़ वो वाली वीडियो यानी कि पाल और अभ्रमश स्कूल को आप एक बार से मतलब रिवाइज करके आइएगा देन उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा ठीक है तो मिनिएचर आर्ट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत जो कि इसका टाइम पीरियड था टू हंड्रेड ट्वेल्ल हंड्रेड सिक्स से लेके फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स तक का ठीक है सो दीज पेंटिंग्स ट्राइड टू ब्रिंग टुगेदर द पर्शियन एलिमेंट्स ऑफ देयर ओरिजिन विद द इंडियन ट्रेडिशनल एलिमेंट्स सो ये पेंटिंग्स में हमें ज्यादातर क्या मतलब इन्होंने जो दिखाया है वो पर्शियन एलिमेंट हमें दिखाया मतलब पर्शियन आर्ट का टेक्स्चर हमें इसमें देखने को मिलेगा विद इंडियन ट्रेडिशनल एलिमेंट जो इंडियन आर्ट चल रही थी उसके साथ हमें पर्शियन इफेक्ट भी देखने को मिलेगा they gave preference to illustrated manuscripts and one of the finest examples from this period is the nimatnama so sabse most important aapne yaad rakhna hai nimatnama jo hai ek kafi illustrated manuscript hai bahut hi matlab finest example hame jo miniature art delhi sultanate ke time pe mili hai wo isme se mili hai so iska naam kya hai book on cookery इनकी कुकरी के ऊपर एक book है ये और illustrated manuscript है illustrated manuscript मतलब कि जो भी लिखा है उसके साथ में उसकी paintings भी बनाई गई हैं ठीक है छोटी छोटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ नासिर शाह हु रूल्ड ओवर मांडू सो नासिर शाह के टाइम पे ये जो बुक है ये लिखी गई थी एंड पेंट की गई थी सो नासिर शाह के टाइम पे जो कि मांडू पे रूल कर रहा था जिस मैनोस्क्रिप्ट शोज द सिंथेसिस ऑफ इंजीनियस एंड पर्शियन स्टाइल्स सो इंडिजीनियस एंड पशियन स्टाइल का हमें इसमें देखने को मिलेगा मतलब कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन एलिमेंट भी है आर्ट का और पर्शियन एलिमेंट भी है सो अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर स्टाइल का द लोधी खुलादार वज ऑल्सो प्रेवलेंट इन द पीरियड दैट वॉज फॉलोड इन मैनी ऑफ द सल्तनेट डोमिनेटेड रीजन्स बिटवीन डेली एंड जौनपुर सो इसके अलावा एक और लोधी खुलादार करके जो है एक आर्ट आ, मतलब आर्ट स्टाइल है वो भी प्रेवलेंट हो रहा था ठीक है इंडिया में उस टाइम पर दिस ऑल्सो बिकेम द बेसिक ऑफ सल्तनत फार्मूला मतलब ये जो पेंटिंग्स uh, थी ये बेसिक हैं वहाँ के एक तरह से जो सल्तनत आर्ट थी उसका बेसिक था ये सो so, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कितनी डायनेस्टीज थी तो टोटल फाइव डायनेस्टीज़ थी जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे थी ठीक है स्लेव डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी एंड देन लोधी डायनेस्टी सो so, ये सीरीज में डायनेस्टीज़ हैं इसके टाइम पे ना काफ़ी सारा आर्ट वर्क आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलेगा मतलब किस किस डायनेस्टी ने क्या क्या वर्क करा है तो वो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे फिलहाल पेंटिंग्सा ज़्यादा नहीं है बस आप इसमें यह याद रखेगा निमतनामा करके जो बुक है बुक ऑन कुकरी तो इस पर इसको आप अच्छे से याद रखिएगा ठीक है तो so, इसके बारे में इतना ही है बस दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह का नहीं है बस वो आप जो है मैंने स्क्रिप्ट याद रखिएगा उसमें हमें काफ़ी देखने को मिल जाता है ठीक है नेक्स्ट है मुगल एरा मिनिएचर्स यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा क्वेश्चनस आते हैं यहाँ से सो so, मुगल एरा मिनिएचर्स जो है फिफ्टीन से ट्वेंटी सिक्स से लेकर सेवनटीन जीरो सेवन तक का टाइम पीरियड जो है वो कंसिडर किया जाता है द पेंटिंग्स मेड इन द मुगल पीरियड हैड अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल एज दे वर ड्रॉइंग्स फ्रॉम द पर्शियन एंटीसीडेंट्स जो पेंटिंग्स हैं मुगल पीरियड की उनका काफ़ी अलग स्टाइल है ठीक है क्योंकि इसमें ना सबसे ज्यादा आपको पर्शियन एलिमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि वहां से जो रूलर मतलब जो बाबर था वो वहां से कुछ पेंटर्स लेके आया था तो उसमें जो है पर्शियन एलिमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा देयर वॉज अ चेंज इन द कलर पैलेट थीम्स एंड फॉर्म्स द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम डिपिक्टिंग द गॉड टू ग्लोरिफाइंग द रूलर्स एंड शोइंग इज लाइफ सो अभी तक आपने देखा होगा कि जैन बुद्धिज्म ठीक है हिंदुज्म इन सबको ही प्रमोट किया जा रहा था इन सबकी ही पेंटिंग्स बन रही थी सो so, मुगल टाइम पर आकर क्या हुआ था कि जो फोकस है बेसिकली किस पे शिफ्ट हो गया वो रूलर्स पे शिफ्ट हो गया उन्होंने जो है अपने आप को पोर्ट्रेट करना स्टार्ट करवा दिया सो नाउ दे फोकस्ड ऑन हंटिंग सीन्स ज़्यादातर वो जो है किंग हंट कर रहे थे कि उस चीज़ के सीन्स uh, हमें वहाँ से मिले बहुत ज़्यादा मुगल में आपको बहुत ज़्यादा हंटिंग सीन्स मिलेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड द अदर कोर्ट रिलेटेड पेंटिंग्स और कोर्ट में जैसे राजा बैठा है ठीक है कुछ बात हो रही है ये सब चीज़ें की पेंटिंग्स हमें ज़्यादा मिलेंगी दीज पेंटिंग्स वर कंसिडर्ड यूनिक बिकॉज ऑफ़ द यूज ऑफ ब्रिलियंट कलर्स सो आप मुगल जो पेंटिंग्स हैं उसमें देख सकते हैं कि ये क्यों यूनिक कंसिडर की जाती है क्योंकि इसमें ब्रिलियंट कलर्स यानी कि बहुत ही अच्छे कलर्स का इसमें यूज़ किया गया है द पेंटर्स वर सपोज टू कंसल्टेंट और इन्श्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ लाइन ड्रॉइंग सो पेंटर्स को क्या कहा जाता था बेसिकली कि उन्हें लाइन ड्राॅइंग पर फोकस करना है ठीक है जिसकी वजह से काफ़ी एक्ूरेसी है पेंटिंग्स में एक्सेप्ट रिलीजियस पेंटिंग्स द मुगल्स वर नोन फॉर द डाइवर्स थीम्स सो so, इन्होंने जो है रिलीजियस पेंटिंग्स को छोड़कर बाकी के लिए जो मतलब ये जो है मुगल्स जो हैं वो फेमस हैं किस लिए डाइवर्स थीम्स इनकी पेंटिंग्स में जैसे मैंने आपको बताया हंटिंग सीन्स ठीक है scenes, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स आपको मिलेंगे बर्ड्स एनिमल्स की पेंटिंग्स मिलेंगी एंड इसमें जो है कोर्ट को दिखाया गया है तो काफ़ी सारा डाइवर्स थीम है इन पेंटिंग्स का ठीक है एक्सेप्ट रिलीजियस थीम्स नेक्स्ट है इवन दो दे मेड ओनली मिनिएचर पेंटिंग्स इलस्ट्रेशन इज इन पेंटिंग्स आर कंसिडर्ड अमंगस द मोस्ट यूनिक पेंटिंग्स इन द वर्ल्ड भले ही ये लोग क्या बनाते थे मिनिएचर पेंटिंग्स बनाते थे इलस्ट्रेशन में ठीक है इलस्ट्रेट इलस्ट्रेशन के द्वारा ठीक है बट कंसिडर लेकिन फिर भी ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिक पेंटिंग्स कंसिडर की जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड दे ब्रॉड द टेक्निक ऑफ फॉर शॉर्टनिंग टू द इंडियन पेंटर्स इसमें जो है इन्होंने ही मुग़ल हमने मुगल आर्ट में मुगल मिनिएचर्स में देखने को मिलेगा कि उन्होंने फॉर शॉर्टनिंग का भी यूज़ किया है ठीक है अंडर द अंडर दिस टेक्निक द ऑब्जेक्ट्स वर ड्रॉन इन अ वे दैट दे लुक क्लोजर एंड स्मॉलर दैन दे रियली आर सो इस टेक्निक में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं इस तरह से बनाए जाते हैं कि दैट दे लुक क्लोजर एंड स्मॉलर दैन दे रियली आर वो पास लगें और उससे छोटे लगें जितने वो एक्चुअली में हैं द स्टाइल ऑफ द पेंटिंग अंडर द सक्सेसिव रूलर्स आर एस फॉलो सो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से रूलर्स के टाइम पे क्या क्या पेंटिंग स्टाइल डेवलप हुआ था ठीक है सबसे पहले अर्ली मुगल पेंटर यानी कि जो बाबर था ए बाबर इस्टेब्लिश द मुग़ल डायनेस्टी आफ्टर फाइटिंग अ सीरीज़ ऑफ़ वॉर्स ही डिडेंट हैव मच टाइम टू कमीशन पेंटिंग्स जो बाबर था उसने जो है मुग़ल डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी एक मतलब लड़ाई वॉर को ख़त्म करके उसने मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था तो उसके पास काफ़ी टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो पेंटिंग्स को कमीशन यानी कि पेंटिंग्स के लिए पैसे दे सके या फिर पेंटिंग्स को डेवलप कर सके बट ही सेट टू हैव पैटरनाइज द पर्शियन आर्टिस्ट और भीजाद सो so, लेकिन कहा जाता है कि इसने जो है पर्शियन आर्टिस्ट यानी कि बिहार नाम का एक आर्टिस्ट था जिसने जिसको इसने बैटरनाइज किया था हु मेड सम इलेट्रेशन ऑफ द मुगल फैमिली ट्री जिसने कुछ इलेस्ट्रेशन बनाई थी मुगल फैमिली ट्री की ठीक है हुमायूं हु वॉज अ ग्रेट पैटर्न देन उसके बाद क्या आता है बाबर के बाद हुमायूं हुमायूं हु वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ द आर्ट केम टू द थ्रोन एट यंग एज सो जो हुमायूं था वो भी काफी ज्यादा शौकीन था आर्ट का ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट वो भी आर्ट के लिए बहुत डोनेट करता था सो so, वो काफ़ी यंग एज में ही जो है थ्रोन पर आ गया था ही वॉज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग्स एंड बिल्डिंग ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स सो वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड था उसे पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था बिल्डिंग ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स यानी कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाने का भी उसे काफ़ी शौक़ था ठीक है आर्ट एंड कल्चर में उसे काफी इंटरेस्ट था बट हिज अटीलियर वज डिस्ट्रप्टिड वैन ही लॉस्ट टू द थ्रोन टू शेर शहर सूरी एंड वॉज एग्जाइल टू पर्शिया लेकिन ये सब चीज़ें कैसे खत्म हो गई क्योंकि जब उसने शेर शाह सूरी ने उसकी फ़ाइट हुई तो वो जो है उसे वहाँ से निकाल दिया गया और उसे पर्शिया भेज दिया गया यानी कि उसे थ्रोन से हटाकर शेरशाह सूरी जो है वो जीत गया था और उसने उसे पर्शिया भेज दिया वाइल ही वॉज एट शाह अकबर कोड इन पर्सिया ही क्वायर द सर्विस ऑफ टू मेन पेंटर्स कार्ल अब्दुल समद एंड मीर सैयद अली सो जैसे ही वो वहां पर था पर्शिया में था पर्शिया में था तो उसने वहां पे दो पेंटर्स किस सर्विसेज को ले लिया जैसे कि अब्दुल समद अली और मीर सैयद अली और जब वो वापस आया था तो उन दोनों पेंटर्स को वो अपने साथ लेकर आया था ठीक है जब वो दोबारा से जीत गया था तो वो अपने साथ उन्हें लेकर आया था इंडिया में सो दी दीज आर्टिस्ट फॉर रिस्पॉसिबल फॉर ब्रिंगिंग पर्शियन इन्फ्लुएंस इन द मुगल पेंटिंग्स एंड क्रिएटेड मेनी सक्सेसफुल इलस्ट्रेटेड एल्बम्स सो ये आर्टिस्ट हैं रिस्पॉसिबल किसके लिए जिन्होंने जो है काफ़ी सारी मुगल पेंटिंग्स बनाई थी मतलब स्टार्ट करी थी एक तरह से पर्शियन एलिमेंट उसमें डालना स्टार्ट किया था और काफी सक्सेसफुल इलस्ट्रेटेड एल्बम्स भी आया था लास्ट ईयर भी तो ये बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सारी जो चीजें हैं ना ये इनकी जो मैनुस्क्रिप्ट हैं इनके नाम है बाबर नामा अकबरनामा ये किसने लिखे तो इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सो अकबर के टाइम पे एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई क्या नाम था इसका टूतीनामा सो so, इसको क्या कहा जाता है टेल ऑफ पैरट अकबर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एंटायर डिपार्टमेंट डिवोटेड टू द पेंटिंग एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो अकबर है वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसने पेंटिंग्स का वो बहुत बड़ा डिवोटी था ठीक है उसने मतलब पूरा का पूरा एंटायर डिपार्टमेंट एक तरह से खड़ा कर दिया था जिसका नाम था तस्वीर खाना ठीक है उसने पूरा का पूरा स्टूडियो जो है वो बनाया था जहां पे उसने वो पेंटिंग्स बना रखी थी एंड रख रखी थी वे द आर्टिस्ट फॉर हायर्ड ऑन सैलरी एंड दे डेवलप देर ओन स्टाइल्स सो उसने पूरा का पूरा एक तस्वीर खाना बनाया था जहाँ पर आर्टिस्ट को रखा जाता था यानी कि वहाँ पर आर्टिस्ट आकर काम करते थे उन्हें सैलरी दी जाती थी और उनको अपना स्टाइल डेवलप करने के लिए बोला जाता था अकबर लुकड अपन पेंटिंग्स एज अ मीन्स ऑफ स्टडी एंड अम्यूजमेंट यानी कि अकबर जो था वो बहुत ही ज्यादा फैन था इन चीज़ों का पेंटिंग का एंड इनको काफी स्टडी करने में उसे बहुत मजा आता था बिलीव डेट अ पेंटिंग कुड शो द डीम एन ऑफ द सब्जेक्ट एंड क्रेडिटेड लाइफ लाइक सो पेंटिंग्स को अच्छा मानता था और उनको अवॉर्ड uh, भी देता था वर्क अच्छा करते थे अकबर ऑल्सो रिकग्नाइज द ब्यूटीस रूलर एंड तस्वीर खाना अकबर जो है ऑल्सो रिक्नाइज उन इंडियन पेंट इन इंडियन आर्टिस्ट को भी उसने रिकिगनाइज़ किया था मतलब पहचान दिलाई थी उन्हें जो काफ़ी अच्छा काम करते थे प्रीवियस रूलर्स के अंडर में सो तो उन उन्हें भी उसने तस्वीर खाना में इनवाइट किया था वहां पर वो लोग काम करते थे हैंज द इंडियन इन्फ्लुएंस स्टार्टेड इन द मुगल पेंटिंग्स तो इस तरह से जो है जब उसने इंडियन पेंटर्स को भी आ, बुलाना शुरू किया था तो इंडियन जो इन्फ्लुएंस है वो भी पेंटिंग्स में देखने को मिलता रहा then the defining feature of the paintings in the Akbar's period are the use of 3D figures and the continued use of foreshortening. so isme jo इसमें जो है हमें bhi dekhne ko भी देखने को मिलेंगी jo में पहले जो थी thi so होती थी so, थोड़ी 3D figures थोड़ी dekhne ko milengi हमें देखने को मिलेंगी ko milegi भी देखने को मिलेगी फर्दर मोर द आर्टिस्ट इंकरेज द यूज ऑफ कैलीग्राफी इन द पेंटिंग्स उसके बाद जो है कैलीग्राफी का भी डेवलपमेंट हुआ उसमें सुंदर सुंदर तरीके से लिखा जाने लगा पैसे पहले जैसे अगर सिंपल वो लोग लिखते थे तो उस तरह से कैलीग्राफी का भी डेवलपमेंट होने लगा

जो फेमस पेंटर्स हैं दसावंत एंड बासवंत एंड केसु तो काफ़ी सारे फेमस पेंटर हैं वैसे अकबर के टाइम पे सो so, जब मैं एमसीक्यूज वगैरह कराऊंगी तब मैं आपको वो पढ़ा दूंगी सो फेमस पेंटर्स जो जिस पेड़ के दसवंत बसावन एंड केसु ये तीन नाम हैं प्रोमिनेंट इलस्ट्रेटेड मैनूस्क्रिप्ट ड्यूरिंग अकबर्स रेन नार्ट टूती नामा और जो कुछ इलस्ट्रेटेड uh, मैनूस्क्रिप्ट हैं जैसे कि टूती नामा हमजा नामा अनवरी सुनहेली एंड गुलिस्तान ऑफ सदी सो so, ये तीन चार हैं इनके नाम आप याद कर लीजिएगा ठीक है स्क्रीन लेके रख सकते हैं आप याद कर सकते हैं अच्छे से सो so, अकबर के बारे में इतना ही कि उसने कैसे कैसे आर्ट डेवलप कराई नेक्स्ट आता है जहांगीर नेक्स्ट है जहांगीर द पीरियड द मुगल पेंटिंग्स रीच इज इन पीरियड ऑफ जहांगीर तो यानी कि जो जहांगीर के टाइम पे तो था मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा यानी कि पीक पे थी पेंटिंग्स इस टाइम पे ठीक है अकबर का जो टाइम कहा जाता है वो गोल्डन पीरियड कहा जाता है जिसमें काफ़ी अच्छा वर्क हुआ एंड जो जहांगीर का टाइम है वो पीक पे था यानी कि यहाँ पर जो पेंटिंग्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनने लगी द मुगल ही वॉज अ नेचुरलिस्ट बाई नेचर एंड प्रिफर्ड द पेंटिंग्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना दैट इज बर्ड एनिमल ट्रीज एंड फ्लावर्स सो वो नेचुरलिस्ट था यानी कि उसे नेचर लवर था एक तरह से जहांगीर जो था और उसको किस टाइप की पेंटिंग्स पसंद थी फ्लोरा एंड फोना यानी कि बर्ड एनिमल ट्रीज और फ्लावर्स इस टाइप की पेंटिंग्स वो ज़्यादा पसंद करता था ही एम्फेसाइज ऑन ब्रिंगिंग नेचुरलिज्म टू पोर्ट्रेट पेंटिंग्स उसने काफ़ी एम्फेस किया कि पोर्ट्रेट्स में नेचुरलिज्म लाने की कोशिश की ठीक है वन ऑफ द यूनिक ट्रेंड्स उसको ये भी कहा जाता है कि वो खुद भी पेंट करता था शायद लेकिन उनकी पेंटिंग्स जो है हमें ज़्यादा मिली नहीं है वन ऑफ द यूनिक ट्रेंड्स दैट डेवलप इन हिस पीरियड वॉज ऑफ डेकोरेटेड मार्जिंस अराउंड द पेंटिंग दैट सम टाइम एज अ एज अ पेंटिंग डेनसेल्स कभी कभी मतलब जो एक यूनिक ट्रेंड भी डेवलप हुआ था कि जो पेंटिंग है उसके आसपास जो है वो बॉर्डर वो इतना ज्यादा एलेबोरेटिव होता था कि वो हम उसको कह सकते हैं कि जो पेंटिंग जो खुद है उससे भी ज्यादा कभी कभी हम कह सकते हैं कि वो जो बॉर्डर था वो ज्यादा एलेबोरेटिव होता था यानी कि बहुत ज्यादा होता था नेक्स्ट है जहांगीर वॉज कंसिडर टू बी अ गुड आर्टिस्ट एंड ही हैड हीज ओन प्राइवेट वर्कशॉप ऑल द नो मेजर वर्क बाय हिम सर्वाइव जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो खुद भी एक आर्टिस्ट था और उसके द्वारा जो है कोई भी वर्क हमें ऐसा नहीं मिला है उसकी प्राइवेट वर्कशॉप्स भी होती थी मोस्टली मोस्टलीटेड मिनियचर पेंटिंग्स मोस्ट फेमस अमंगसर द तुर्की एंड सो उसकी जो उसका जो एक तरह से हम कह सकते हैं फीचर्स ऑफ मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेसिस ठीक है, तो है।, है Mansoor, सबसे ज्यादा पॉपुलर आर्टिस्ट जो है जहांगीर के टाइम के वो है उस्ताद मंसूर ठीक है वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे तो ये बहुत ज्यादा फेमस है एंड ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के टाइम के जो है फेमस आर्टिस्ट थे एन एनिमल फेबल कॉल्ड अयार ये दनीश टच स्टोन ऑफ नॉलेज वॉज इलस्ट्रेटेड ड्यूरिंग दिस हिज रीन एक एनिमल फेबल है क्या नाम है इसका अयार दनीश ठीक है इसको आप याद रख लीजिएगा अयार ये दनीश सो ये जो है जहांगीर के टाइम पे ही इलस्ट्रेट की गई थी मैनी एक तरह से ठीक है तो जहांगीर के टाइम पे इतना ही देन नेक्स्ट है शाहजहां सो द टेनर ऑफ द मुगल पेंटिंग चेंज रैपिडली इन द पीरियड ऑफ शाहजहां तो शाहजहां के टाइम पे जो है काफी कुछ चेंजेस आए अनलाइक लाइक इज फादर एंड ग्रैंड फादर हु लाइक नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन शाहजहां लाइक टू क्रिएट आर्टिफिशियल एलिमेंट्स इन द पेंटिंग उसको आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बहुत पसंद थे यानी कि शाहजहां को जो थे जैसे वो लोग नेचर को प्रेफर करते थे नेचुरलिस्टिक पेंटिंग्स को प्रेफर करते थे ये जो है आर्टिफिशियल एलिमेंट पेंटिंग्स में लाना शुरू किया इट इज सॉली इट इज सेट दैट ही ट्राई टू रिड्यूस द लाइवलीनेस ऑफ द पेंटिंग्स एंड ब्रिंग दी

और ड्राइंग में जो है चेंज लाना शुरू करवा दिया ही द यूज ऑफ चारकोल टू ड्रॉ एंड एंड एनकरेज द द आर्टिस्ट टू ड्रॉ स्केच यूजिंग अ पेंसिल सो उसने जो है चारकोल का यूज करवाया एंड आर्टिस्ट को बोला कि वो जो है चारकोल का यूज करें और उससे स्केच बनाए ठीक है नेक्स्ट है ही ऑल्सो ऑर्डर टू इंक्रीज द यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द पेंटिंग सो उसने जो है काफी ज्यादा जैसे कि एक तो आर्टिफिशियल पेंटिंग्स बनवाना शुरू कर दी प्लस गोल्ड एंड सिल्वर का यूज जो है वो बढ़ा दिया ठीक है एंड स्टिल स्टिप पेंटिंग्स बनवाना शुरू कर दी उसने नेचुरल जो है नेचुरलिज्म जो है खत्म कर दिया क्योंकि वो यूरोपियन पेंटिंग से जो था वो इन्फ्लुएंस था ही ऑल्सो लाइक ब्राइटर कलर पैलेट्स एज कम्पेयर टू हिस्स प्री उसको जो है ब्राइट कलर की पैलेट यानी कि उसमें ब्राइट कलर्स का यूज उसने करवाना शुरू कर दिया उन पेंटिंग्स में हेंस वी कैन से दैट मुगल एटीरियर वॉज इन लार्ज ड्यूरिंग हिस रीजन बट चेंज अ लॉट इन स्टाइल एंड टेक्निक इसके टाइम पे का मतलब शाहजहाँ के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं मतलब मुगल टेक्निक्स में एंड पेंटिंग स्टाइल में और लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा भी है ठीक है नेक्स्ट आता है औरंगजेब औरंगजेब डिडेंट एनकरेज पेंटिंग एंड एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ मुगल कोर्ट्स पेंटर्स स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द प्रोवेंशियल कोर्ट्स इन राजस्थान एक्सेट्रा सो औरंगजेब जो था एक तरह से हम कह सकते हैं उसको पेंटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था ना उसे डांस पसंद था सो so, वो इन चीज़ों से पसंद नहीं थी तो उसने ये चीज़ें बंद करवा दी थी जो तस्वीर खाना बनने बनवाया था वो भी शायद उसने बंद करवा दिया था जिसकी वजह से जो वहाँ पर आर्टिस्ट वर्क करते थे तो वो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए एंड अनएम्प्लॉयड होने की वजह से वो जो है राजस्थान या फिर आ, इंडिया के अलग अलग कोनों में जाकर वो काम करने लगे हैंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ़ औरंगजेब देर वॉज अ शार्प डिक्लाइन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ पेंटिंग्स सो औरंगजेब के टाइम पे जो था शार्प डिक्लाइन यानी कि एकदम से डिक्लाइन आ गया पेंटिंग्स में एंड ज़्यादा वर्क वहां पर बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि उसे पसंद ही नहीं था सो so गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें नई नए, नए चैप्टर्स लेके आऊंगी आपके लिए नया सिलेबस आपके लिए लेकर आऊंगी कि आगे, आगे आपको क्या पढ़ना है एंड प्लीज लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल आपको अगर ये वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए जो भी बच्चे रेगुलरली देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है इस चीज़ की जरूरत है कि जिसको थ्योरी में दिक्कत हो रही है एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ मैं आऊंगी टेक केयर बाय बाय